हर हर महादेव। दोस्तों, सावन का महीना चल रहा है और बाबा की नगरी में चलना है, तो चलिए बाबा के दर्शन करते हैं। हाँ, उससे पहले शत्रु जी के यहाँ चलेंगे, हमारे मित्र हैं, वहीं रहते हैं, उनके साथ गुंजा जी के यहाँ जाएंगे और बाबा की नगरी के बारे में उनसे जानकारी लेंगे, उसके बाद बाबा के दर्शन करेंगे। तो चलिए। हर हर बम बम जय महादेव, बम 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 जय महादेव। तो आइए बाबा धाम की महिमा जानने के लिए चलते हैं श्री राम सेवक सिंह गुंजन के पास। भारत देवों की भूमि है, वेदों की भूमि है, अद्भुत संस्कारों की धरा है। यहाँ की परंपरा अनूठी है और यह देव संस्कृति से लबरेज धरा है। भारतवर्ष के जिस भी हिस्से में जाए यहाँ की एक आध्यात्मिक परंपरा की झलक मिलती है। भारतवर्ष में द्वादश ज्योतिर्लिंगों की अवस्थिति है और उन द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से एक अवस्थिति वैद्यनाथ के रूप में झारखंड प्रांत के देवघर में है। यह देवघर एक छोटी सी नगरी है लेकिन एक अद्भुत नगरी है। बाबा वैद्यनाथ जो द्वादश ज्योतिर्लिंगों में से नौवां स्थान रखता है, कहा जाता है कि यह मनोकामना लिंग है। यहाँ जो भी सच्ची श्रद्धा के साथ, पूर्ण आस्था के साथ आते हैं और सच्ची श्रद्धा और भक्ति के साथ वैद्यनाथ का जलाभिषेक करते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। लेकिन श्रावण मास की एक अलग ही कहानी है, इसका एक अलग ही महत्व है। कहा जाता है कि महादेव विष पान करने के कारण महादेव हो गए। सारे देवता जब भाग गए विष को देख करके समुद्र मंथन के क्रम में, तब यह भगवान शंकर ही थे जिन्होंने विष पान करने का साहस जुटाया और विष पान करने के कारण यह महादेव हो गए और देवाधिदेव महादेव के रूप में पूज्य हैं। उन्होंने विष पान किया इस विष के जलन के, विष के ताप को कम करने के लिए, जो एक प्रयास किया जाना चाहिए था। देवताओं ने भी सोचा और यह सावन का महीना था, उनके विष के तपन को कम करने के लिए मानो गंगा जल से अभिषेक करके उन्हें शांति प्रदान की जाती है, उनके तपन को कम करने का एक प्रयास किया जाता है। झारखंड को कहा जाता है कि भारतवर्ष की प्राकृतिक संपदा में सर्वाधिक धनी राज्य, लेकिन झारखंड की पहचान, विशिष्ट पहचान बाबा वैद्यनाथ के कारण है। यहाँ सिर्फ भारतवर्ष के विभिन्न कोनों से नहीं बल्कि विभिन्न देशों से भी यहाँ सनातन परंपरा में विश्वास रखने वाले, भगवान शंकर की आराधना करने वाले यहाँ पहुँचते हैं श्रावण मास में और जलार्पण किया करते हैं। आश्चर्य की बात लगती है कि 13-13 किलोमीटर तक लंबी कतार लग जाती है। यदि सावन की घटाएं न हों तो तेज धूप का भी सामना करना पड़ता है, लेकिन हर गली हर मोहल्ले से लोग निकलते हैं, कांवरियों की सेवा करते हैं और पूरी मुस्तैदी के साथ जिला प्रशासन, पुलिस बल के सारे जवान कांवरियों की सेवा में लगे रहते हैं ताकि वो बड़ी ही आसानी से सुलभ दर्शन कर सकें, बाबा वैद्यनाथ के जलाभिषेक करते हुए वो आत्मतुष्टि प्राप्त कर सकें। हम जहाँ खड़े हैं यह बाबा वैद्यनाथ देवघर का ही नहीं झारखंड का प्रवेश द्वार है। प्रतिवर्ष सावन माह में लाखों लाख कांवरिया इस गेट से गुजरने का इंतजार करते हैं और 1 लाख से अधिक कांवरिया एक दिन और 30 से 35 लाख कांवरिया एक वर्ष में इस गेट से गुजरकर बाबा वैद्यनाथ की नगरी देवघर पहुंचते हैं। सुल्तानगंज से गंगा जल उठाकर 90 किलोमीटर की दूरी पैदल चलकर कांवरिया यहां पहुंचते हैं। ऐसे तो कई श्रेणी के कांवरिया हैं, लेकिन मुख्य रूप से 2 श्रेणी के कांवरिया अधिक संख्या में यहां आते हैं। एक साधारण बम है, कांवरियों को यहां बम कहकर पुकारा जाता है। कांवरिया कांवरों में जल उठाकर पैदल रुकते
तीन दिन चार दिन दो दिन में बाबा बैद्यनाथ की नगरी देवघर पहुंचते हैं। दूसरे कांवरिया की जो श्रेणी है वह डाक बम की है। डाक बम अमूमन 12 से 14 घंटे में या 24 घंटे के अंदर कांवरों में जल लेते हैं, लेकिन वो बांस का कांवर नहीं रखते, अपनी पीठ पे दो बोतलों में गंगा जल लेकर दौड़ते हुए देवघर की ओर आते हैं। बिना कहीं रुके सीधे वे देवघर पहुंचते हैं। जब वह किसी भी शिविर के सामने से गुजरते हैं तो दौड़ के कार्यकर्ता उन्हें पानी पिलाते हैं, उनके पाँव में मरहम लगाते हैं। और जो आम कांवरिया होते हैं, जैसे आप देख रहे हैं जिस जगह मैं खड़ा हूँ, यहाँ बिहार और झारखंड दोनों का गेट बना हुआ है और बगल में लोकहित सेवा संस्थान का शिविर है। यहाँ कांवरियों के ठहरने, गर्म पानी, चाय, स्वास्थ्य आदि की व्यवस्था है। ऐसे सैकड़ों शिविर हैं सुल्तानगंज से देवघर तक के 100 किलोमीटर के रास्ते में। यहाँ से 10 किलोमीटर बाबा बैद्यनाथ धाम की दूरी है। यह शिविर वर्ष 2001 से प्रारंभ हुआ था और अगले साल इससे बहुत बड़े पैमाने पर शिविर का आयोजन किया जाएगा, जिसमें कांवड़ियों के लिए अभी से बहुत अधिक फैसिलिटी प्रावधान करने का प्रयत्न करेंगे। इकलौता शिविर है जिस शिविर के माध्यम से धूम्रपान को यहाँ से त्यागने के लिए लोगों को संकल्पित करते हैं और इसमें काफी हद तक सफलता मिली है। मेरा यह मानना है कि आज के समाज में बेटों से बढ़कर बेटी की भूमिका है, क्योंकि बेटी अपने माँ बाप से मन से जुड़ी होती है और मुझे लगता है अगर बेटी नहीं रहेगी तो लोग बहू कहाँ से लाएंगे। आम आदमी जो जिसे कभी कोई अनुभव नहीं है, वो भी पैदल बाबा की भक्ति में सारा बोर होकर यह दूरी तय कर लेता है। रास्ते में दोनों तरफ छोटी मोटी दुकानें हैं, ढाबे हैं, जहाँ पे तरह तरह के खाने पीने की वस्तुएं मिलती हैं। यहाँ पे आप चाय पी सकते हैं, नाश्ता कर सकते हैं, खाना खा सकते हैं, भोजन कर सकते हैं और ये सब बड़ा ही सात्विक सा है। झारखंड के देवघर में लगने वाले इस मेले का सीधा सरोकार बिहार के सुल्तानगंज से है। यहीं गंगा नदी से जल लेने के बाद नंगे पांव बोलो बम और बोल बम के जयकारे के साथ कांवड़िए देवघर की यात्रा आरंभ कर देते हैं। देवघर के पेड़े का एक अपना महत्व है। बाबा भोले को इन्हीं पेड़ों का प्रसाद चढ़ाया जाता है। देवघर के पेड़े की धूम पूरे भारतवर्ष में है। बहुत सारे भक्त जो पहली बार आए होते हैं, उन्हें पुराने जो भक्त होते हैं वो उनका हौसला बढ़ाते हैं और फिर एक कारवां सा चल पड़ता है। बोलो बम बोलो बम, पूरब से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण, भोले बाबा, काशी विश्वनाथ और 12 ज्योतिर्लिंग, इन सभी जगहों पे बाबा के भक्त उनको जल चढ़ाते हैं। इन सब में प्रमुख है देवघर,
यानी बाबा बैद्यनाथ का धाम। देवघर का शाब्दिक अर्थ है देवी देवताओं का निवास स्थान, और देवघर में बाबा बैद्यनाथ का मंदिर। सावन के महीने में यहाँ पे लाखों कांवरिया यानी बाबा के भक्त जल चढ़ाने आते हैं। कंट्रोल करने के लिए काफ़ी व्यवस्था की गई है। यह व्यवस्था मंदिर प्रशासन और सरकार की ओर से की जाती है। लोहे का यह स्काई वॉक करीब करीब 1 किलोमीटर लंबा है। विश्व के सभी शिव मंदिरों के शीर्ष पर त्रिशूल लगा दिखता है, मगर वैद्यनाथ धाम परिसर के शिव, पार्वती, लक्ष्मी नारायण व अन्य सभी मंदिरों के शीर्ष पर पंचशूल लगे हैं। पंचशूल यानी 5 मुख। यहाँ प्रतिवर्ष महाशिवरात्रि से 2 दिनों पूर्व इन मंदिरों के ऊपर से लगा पंचशूल उतारे जाते हैं। इस दौरान पंचशूल को स्पर्श करने के लिए भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। महाशिवरात्रि के दिन नया गठबंधन किया जाता है। गठबंधन के लाल पवित्र कपड़े को प्राप्त करने के लिए भी भक्तों की भीड़ उमड़ पड़ती है। महाशिवरात्रि के दौरान बहुत से श्रद्धालु सुल्तानगंज से कांवर में गंगा जल भरकर 105 किलोमीटर पैदल चलकर और बोल बम का जय घोष करते हुए बैद्यनाथ धाम पहुँचते हैं। यह वैसा ही है जैसा सावन के इस महीने में कांवरिया बाबा बोलो बम बोल बम के नारे लगाते हुए जय घोष करते हुए मंदिर तक पहुंचते हैं। सावन में यूं तो रोजाना ही भक्तों की भीड़ होती है, लेकिन सोमवार का दिन बड़ा ही खास होता है। सोमवार यानी सोमवारी। सोमवारी के दिन बाबा पे जल चढ़ाने का कुछ महत्व ही अलग है। सोमवार को भगवान शिव का दिन माना जाता है, इसलिए यहाँ जल चढ़ाने वालों की संख्या काफ़ी बढ़ जाती है। सुल्तानगंज से जब भक्त आगे बढ़ते हैं तो इनमें एक होता है डाक बम। डाक बम यानी वो बिना रुके दौड़ते हुए चलते हैं। उन्हें सिर्फ 15-16 घंटे में सुल्तानगंज से बैद्यनाथ धाम की दूरी तय कर लेनी होती है।
सावन के महीने में सुल्तानगंज से गंगा जल लेकर प्रस्थान करने वाले कांवरियों की संख्या सवा महीने में 50 लाख के करीब पहुंच जाती है और इसमें लगातार वृद्धि हो रही है। कांवरियों का हुजूम मंदिर में प्रवेश करने के लिए तेजी से आगे बढ़ता है, लेकिन मंदिर के भीतर जगह काफ़ी कम है, इसलिए वहाँ कांवरिया ठहर नहीं पाते। बस चलते चलते बाबा के दर्शन हो जाते हैं और चलते चलते ही बाबा पे जल अर्पित कर दिया जाता है। आज के बदले परिवेश में संतोषम परम सुखम जैसी अवधारणाएं ध्वस्त हो गई हैं। सुख सुविधा के प्रति सबकी लालसा बढ़ी है। इसे हासिल करने के उपायों में देवी देवताओं की पूजा अर्चना को भी महत्व प्राप्त हुआ है। आस्थावान लोगों की संख्या में जबरदस्त बढ़ोतरी के पीछे मनोकामना पूर्ति की यह लिप्सा काम कर रही है। ऐसे में देवघर स्थित शिवलिंग का अपना खास महत्व है, क्योंकि शास्त्रों में इसे मनोकामना लिंग कहा गया है। यह देश के 12 अति विशिष्ट ज्योतिर्लिंगों में से एक माना जाता है। यह वैद्यनाथ धाम के नाम से भी जाना जाता है। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.